नाम श्वेत कुरैशी है, मैं फाउंडर हूँ एंटी कार्स म्यूजियम का। ये हमारा ऑनलाइन म्यूजियम है जो हमने आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में शुरू किया था। इसमें पाकिस्तान की बेहतरीन एंटी कार्स, पाकिस्तान के टॉप एंटी कार कलेक्टर्स मौजूद हैं। और क्योंकि आइडिया ये ऑनलाइन है, लेकिन इसके हम बहुत सारे इवेंट्स, एक्टिवेशंस, रैलीज, ड्राइव्स, चीज़ें करते रहते हैं। आज ही हमारा यहाँ पे सेकेंड एनुअल शो हो रहा है, जिसमें तकरीबन 110 गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं और 45 कलेक्टर्स हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे। जी, मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी, ये 1968 मर्सिडीज 280S है। ये 1960s में जो पहली एस क्लास मर्सिडीज़ बनी थी उनमें से है ये, इसका शुमार। और ये गाड़ी बड़ी हिस्टोरिक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये ओरिजिनली गाड़ी जो इंपोर्ट हुई थी पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान के बहुत ही फेमस सफ़ीर थे, बहुत उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत है उनकी, जमशेद मार्कर साहब, उन्होंने ये गाड़ी इंपोर्ट की थी, उनकी गाड़ी थी ये, जर्मनी से उन्होंने ख़ुद इंपोर्ट की थी। और इसके ओरिजिनल कागजात पर भी उनका नाम लिखा हुआ है। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरे पास ऐसी चीज़ है जिनसे पाकिस्तान के लिए काम किया। तो ये गाड़ी पिछले 3 साल से मेरे पास है और बड़े प्यार और मोहब्बत से इसको रखा हुआ है और कोशिश की है कि इसको बरकरार रखें। बस अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है सब कुछ, बट काम काफ़ी हार्ड वर्क होता है। सौ साल से पुरानी से लेकर 80s तक की जो डिज़ायरेबल क्लासिक्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये मेरे पास ये शेवरलेट 35 की 1935 की, और इससे पुरानी में 1929 की भी एक खड़ी है वहाँ पे आपको भी। लोगों का रिस्पॉन्स तो ओवरवेलमिंग होता है हमेशा से, और भी है, और आप देख रहे हैं कि शौकीन है लोग, अच्छा खुश भी होते हैं, थोड़ी हेल्दी आउटिंग है ना यार। ये जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं ये रोल्स रॉयस है 1924 की, 100 साल पुरानी। और ये गाड़ी की हिस्ट्री ये कायद अजम साहब ने इसमें सफ़र किया था जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था 14 अगस्त को। इसी गाड़ी में लॉर्ड लुई माउंटबेटन के साथ बैठ के गवर्नर हाउस से सिंध असेंबली गए थे टू टेक ओथ एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये इवेंट हर साल हम करवाते हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं वो करते हैं, ताकि लोगों में जो है एक अवेयरनेस आए, लोग जो है वो मोटिवेट हो, जिनकी गाड़ियाँ उनके फादर्स ग्रैंडफादर की गाड़ियाँ जो गैराज में खड़ी है बाहर निकाले, रिस्टोर करें और डिस्प्ले के लिए रखें। मैं यहाँ पे अपनी 2 गाड़ियाँ लेकर आया हूँ, मेरी सफ़ेद रोल्स और एक MG। और बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, बहुत अच्छे लोग आ गए, और ये शुएब कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस दफ़ा आई पिछले साल से ज़्यादा, और इंशाल्लाह और आइंदा बेहतर होगा। लाइक माइंडेड लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए, बहुत से लोग हैं जो नहीं लाए, इंशाल्लाह अगली दफ़ा होंगे। और जिस तरह से क्राउड टर्नओवर है बहुत अच्छा होगा। आइडिया हमारे यही है कि देखें म्यूज़ियम दुनिया भर में और फिज़िकल होते हैं, लोग आते हैं वहाँ पे सारा साल आते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक भी क्लासिक गाड़ियों का म्यूज़ियम नहीं है। इसीलिए हमने ऑनलाइन तो शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा पैशन था, हमारा शौक है। ख्वाहिश हमारी यही कि अगर हमें कोई जगह मिल जाए यहाँ पे, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए या किसी प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए और जगह हो जाए, तो ये सारी गाड़ियाँ पूरा साल डिस्प्ले पर रह सकती हैं, जिसको लोग इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त टूरिज्म एक्टिविटी है, चाहे कराची के लोगों के लिए, कोई पाकिस्तान से भी आ रहा है कहीं से वो भी इन्जॉय करता है, फॉरेनर्स आते हैं इस तरह की चीज़ में आते हैं। आज यहाँ पे इतने सारे एम्बेसडर्स आए थे देखने सुबह से, जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल चीज़ है, आर्ट्स और कल्चर का हिस्सा होता है, दुनिया भर में इस्टेब्लिश है, वेल डेवलप्ड इसका कल्चर है, लोग आते हैं इन्जॉय करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी इसको वो पज़ीराई नहीं मिल रही जिसको मिलनी चाहिए। तो हम शौकीन लोग हैं, हम इसको आगे से आगे ले जा रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ख्वाहिश है कि कराची में परमानेंट एक म्यूज़ियम होना चाहिए, जिसमें पूरा साल लोग आएँ, इन्जॉय करें और मज़े से उन गाड़ियों को देख सकें। It's basically a cruiser bike, which we also call them heavy bike, and it is a British Triumph from the UK. It's 2005 model, and I have another one that is from 1962. It's a 200cc British UK Triumph, which we call Tiger as well. And with us, we have a war vehicle, which is a Willie, and it is a US 1952 Willie Jeep that was used by Pakistan Army in the Korean War, and it was bought by me after the auction. Apart from that, we have a Volkswagen here, this is 1966, and a Mercedes is 1971, and a Ford Cortina, which is 1964. So the objective is of this park, of this event, is to show and give a soft image of Pakistan, that we conduct very healthy shows as well in Pakistan.